पति का महत्व। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती, मेरे पति, बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने उड़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, परेशानी और गम में कन साथ देता है। युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रखरखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, बीमारी में तुम्हारा ध्यान हुआ सेवा कन करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम हुआ सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? युवती, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। मानो ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा।